नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F12 versus Realme C21Y का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F12 में 6.46 इंच जबकि Realme C21Y में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F12 में 2.99 इंच जबकि Realme C21Y में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F12 में 0.38 इंच जबकि Realme C21Y में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F12 में 221 ग्राम जबकि Realme C21Y में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F12 में TFT LCD जबकि Realme C21Y में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F12 में 81.95% जबकि Realme C21Y में 81.59% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, उल्टा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme C21Y की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F12 में Mali G52 MP1 जबकि Realme C21Y में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Realme C21Y में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है जबकि Realme C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F12 में अप टू 1 TB जबकि Realme C21Y में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F12 में 6000 mAh जबकि Realme C21Y में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy F12 में 3 कलर्स जबकि Realme C21Y में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C21Y की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी F12 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Realme C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A12 है जो कि 8,490 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme C11 है जो कि 7,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Infinix Smart 4 Plus है जो कि 7,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Smart 5 है जो कि 7,199 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।